दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर जो एक चीज नहीं बदल सकती या फिर बदलना चाहती है वह है हमारे देश के वामपंथी पत्रकारों की घटिया मानसिकता। अभी तक क्विंट वाले विवाद को ठंडा हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि एक और वामपंथी पत्रकार का विवादास्पद लेख सुर्खियों में आ गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाने को इच्छुक अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक के लिए विवादास्पद मैगजीन कारवा की पत्रकार विद्या कृष्णन ने एक लेख लिखा जिसके बारे में मोहतरमा ट्वीट करती हैं। द अटलांटिक के लिए लिखे एक लेख में मैंने बताया कि कैसे भारत का COVID-19 के प्रति रिस्पॉन्स काफी घटिया और असंतोषजनक रहा है। औरों की भांति स्टॉकपाइलिंग करने के बजाय भारत सरकार देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने में जुटी रही। पर ठहरिए, यह तो मात्र प्रारंभ था। द अटलांटिक ने बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुए भारत के राष्ट्रध्वज को एक बेहद अपमानजनक स्थिति में दिखाया। यहाँ के राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र के स्थान पर वुहान वायरस का एक प्रतीकात्मक चिन्ह दिखाया गया है। यह न केवल अपमानजनक है अपितु एक दंडनीय अपराध भी। परंतु ये तो विद्या कृष्णन है जिनको लगता है कि वे दूसरी बरखादत है। इसके अलावा विद्या कृष्णन ने इस लेख में ये बताने की कोशिश की कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून वुहान वायरस से लड़ने में बाधा के रूप में सामने आ रहा है। आपने ठीक पढ़ा, विद्या कृष्णन वुहान वायरस जैसी महामारी को CAA से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वुहान वायरस तो बस बहाना था, एजेंडा जो चलाना था। लगता है विद्या कृष्णन ने इस मामले में बरखा दत्त से काफी अच्छी शिक्षा ली है। यही नहीं, विद्या कृष्णन ने यह भी बताया कि कैसे PM मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन अपने आप में गरीबों पर एक करारा प्रहार है और अमीर वर्ग एवं मिडिल क्लास को इससे कोई हानि नहीं होगी। इसी को कहते हैं नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। हालांकि ये ओछी पत्रकारिता कोई नई बात नहीं है। अभी कल ही द क्विंट ये अफवाह फैला रही थी कि भारत इस महामारी के तीसरे स्टेज में पहुंच चुकी है, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने PM मोदी के टास्क फोर्स का हिस्सा माने जाने वाले एक डॉक्टर का उदाहरण दिया। परंतु द क्विंट ने जो भी बातें बताई उसे स्वयं गिरधर ज्ञानी ने झूठ सिद्ध कर दिया। गिरधर ज्ञानी वास्तव में एक इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं। ANI के संवाददाता ईशान प्रकाश से बातचीत के दौरान पता चला कि गिरधर ज्ञानी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे ये सिद्ध हो कि भारत वुहान वायरस महामारी के तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। गिरधर ज्ञानी के अनुसार अभी जो केस बढ़ रहे हैं वे केवल गणित का फेर है, परंतु कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमण के मामले रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में भारत अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले स्टेज में नहीं पहुंचा है। परंतु द क्विंट को इससे क्या, उन्हें तो अपने एजेंडे से वास्ता है। पूनम अग्रवाल ने काम पहली बार नहीं किया है। कुछ वर्ष पहले इसी पत्रकार पर एक आर्मी जवान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था और हाल ही में वह अभी जमानत पर बाहर आई है। अपने आप को बरखा दत्त की उत्तराधिकारी समझने वाली विद्या कृष्णन अवश्य ही अपने आराध्य के मार्ग पर चल रही हो, पर शायद उसे भी नहीं पता होगा कि ये 2010 नहीं 2020 है। यहाँ एजेंडावादी पत्रकारिता को कोई घास तक नहीं डालता।